सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले नव निर्वाचित मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदों व अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 26 मई से शुरू हो चुका है। मौजूद कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया जा रहा है। ये समारोह अगले दिन शनिवार 27 मई भी जारी रहेगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, जिसके बाद हर जगह सभी नवनिर्वाचित सदस्य बारी बारी से पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगहों से शपथ ग्रहण की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर से है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पीलीभीत से दूसरी तस्वीर सामने दिख रही है। वहीं बुलंदशहर में भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। तीसरी चौथी तस्वीर आपको औरैया से दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। आगरा से भी तस्वीर सामने आई है। वहीं ये लास्ट और छठवीं तस्वीर बिजनौर से सामने आई है। और यह भी जनता ने हमारी भरपूर मदद करने का काम किया है। सभी वर्ग सभी जात के लोगों ने हमें बहुत वोट देने का काम किया है, तो हम आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते, बधाई देते, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे ये वादा भी करते हैं जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मेरी मदद करने का काम किया है। आगरा नगर निगम के हमारे साथ निर्वाचित महापौर श्रीमती हेमलता देवकर जी, इन्होंने आज शपथ ग्रहण किया और उनके साथ शपथ लेने वाले 100 पार्षदगण को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आशा रखता हूँ कि कार्यकाल में आगरा का नगर और भी सुंदर बनेगा और भी सुशोभित होगा और विश्व कक्षा का एक नगर बनेगा। आगरा जैसे नगर निगम की जो महापौर बनी और जो शपथ हमने आज ली है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम का एक अपना स्वरूप है। श्रीमती सिंह जो है डॉक्टर बीरोज जी धर्मपत्नी है, तो ये पूरा परिवार लगातार भारतीय जनता पार्टी साथ लंबे समय से कंधे से कंधे मिलाकर लगा रहा। उनको भारतीय पार्टी टिकट दिया और लगभग 4500 मतों से, यानी भारी अंतर से यहाँ पर रुकी हुई है। उसको प्रभारी मंत्री के नाते उनको शपथ चढ़ाने का मौका मिला। मैं भी भाग्यशाली हूँ और बिजनौर जनपद के सभी नगरवासियों का वोट लेकर भारतीय पार्टी ने विश्वास किया। मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बत्ती सभासद जीत करके आए, ये 32 सभासद और इंदर सिंह जी मिलकर के नगर पालिका शानदार विकास करेंगे, शानदार काम करेंगे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, ऐसा मुझको भरोसा है। भारी मंत्री होने के नाते नए योगदान में होगा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं उनकी सुनाई होंगी, उनको मिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रीमती दासी जी शानदार काम नगर पालिका क्षेत्र में करेंगी, सर्वांगीण विकास करेंगी और लेकर सब अपनी योजनाएं हैं वो सब लोगों में ऐसा आए हमारा प्रयास। कानपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला पांडे ने एक समारोह के दौरान शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण में उन्होंने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उस पर खरा उतरकर दिखाऊंगी, जिससे गति और भी तेज होगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सतीश महाना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास की गति कानपुर में और ज्यादा तेज होगी। इस अवसर पर सांसद मंत्री विधायक ने कहा कि कानपुर की जनता के भाग्य उसी दिन खुल गए थे जिस दिन प्रमिला पांडे को उन्होंने भारी मतों से जीत दिलाई थी।
बाराबंकी में नए संसद भवन पर विपक्षी घमासान को लेकर भाजपा सांसद ने एक बयान दिया है। रवि किशन बोले, देश की जनता चाहती है सारे शुभ काम पीएम मोदी के हाथों से हो रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन आज बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें यहां से सभी 80 सीटें भाजपा को जितवानी है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि विपक्षी दल इसके गवाह बने। मैं सभी से कहूंगा कि आप लोग कृपया, कल उद्घाटन हो रहा है नए पार्लियामेंट का, जो हमारे कारीगर, हमारे आर्किटेक्चर ने बनाया है, भारतीय मूल के निवासियों ने बनाया, भारत की जनता के का टैक्स का पैसा है, अंग्रेजों की गुलामियों के चिन्ह से हम लोग दूर जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सुंदर कार्य हुआ है। आप लोग इसके गवाह बने, साक्षी बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या बताएंगे। मैं सारे विपक्षी दलों से कहता हूँ, कृपया कल आप लोग ज़रूर आएँ, आप लोग इस उद्घाटन में सम्मिलित हों। ये देश की एक बहुत बड़ी धरोहर बनने जा रही पार्लियामेंट, ये देश, आपको मोदी जी से तकलीफ है वो अलग चीज़ है, ये देश की संपत्ति है और इसके लिए भारत जाना जा रहा है विश्व में। आप सभी विपक्षी दलों को कल आना चाहिए। चंदौली में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताते चले कि यहां बारातियों से भरी बस गड्ढे में जा पलटी, जिससे कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना से चीख पुकार मच गई, जिसके बाद घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये पूरा मामला बस बबूरी थाना क्षेत्र के उतरौत गाँव के समीप का बताया जा रहा है। बस पलटी, क्या है पूरा मामला? अच्छा है कि बस एक बच्ची को बचाने के चक्कर में पलट गई। जी हाँ, कहाँ से कहाँ जा रही थी? इलिया की बारात गई थी, बाबतपुर से वापस आ रही थी। अच्छा हाँ, कितने लोग घायल हैं? घायल इसमें 10 लोग हैं। 10 लोग? हाँ, अच्छा। हल्के चोटे हैं सबको, जितने लोग दिखाई दिए। अच्छा हाँ, मरने की कोई अथवा अभी नहीं? अभी इस समय जो हो रहा है, बस अगर निकल रही है इसमें से अगर कोई निकले तो बात अलग है। कहाँ से बताइए आप? इलिया से बारात आ रही गई थी बाबतपुर के लिए, वहाँ से आ रही थी, चौहान बिरादरी की बारात थी, यहीं पे मतलब थोड़ा सा दुर्घटना हो गया है। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया? ब्रजेश भैया। तो ये कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? लगभग में 20-25 लोग। क्या था पूरा मामला, कितने लोग सवार थे बस में? अभी जो है सूचना मिली है कि उतरौत गाँव के समीप बनारस से एक बस आ रही थी, उसमें बारात से लोग आए थे, बस पलट गया। मौके पर सूचना, पुलिस बल, फायर ब्रिगेड सब लोगों ने पहुँच कर के आम जन लोगों ने उसकी मदद किया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले लोग कुछ रोक कर कैसे घटना हुआ है कोई जानकारी हो पाई है? करेंगे अब तो ये ड्राइवर से कुछ पता चलेगा, शायद किसी को बचाने के चक्कर में। कितने लोग सवार थे करीब, ये जानकारी हो पाई है? ये तो जानकारी नहीं, लेकिन जितने लोग थे बस में उन्हें पूछा गया है कि कोई और था इसमें अतिरिक्त, जिसमें नीचे दबे होने की सूचना है, तो उन लोगों ने मना किया और देखा भी गया कि कोई तो। नव निर्वाचित चेयरमैन चकिया से गौरव श्रीवास्तव ने प्राइम टीवी की टीम की प्रशंसा की है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्राइम टीवी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइम टीवी की पत्रकारिता एक नंबर की है। नगर निकाय चुनाव के एग्जिट पोल में प्राइम टीवी ने गौरव श्रीवास्तव को जीत के सर्वे की रिपोर्ट प्रसारित की थी। बताते चले कि गौरव श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में खुशी को साझा किया है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि भारत के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी थे। साथ में सैयद राजा विधायक सुशील सिंह, मुगलसराय विधायक राजकुमार जायसवाल तथा चकिया विधायक कैलाश आचार्य जी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह भी मौजूद थे। सर, आज पहली बार कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं प्राइम टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और रहा सवाल कुर्सी में बैठने के बाद, देखिए कुर्सी में बैठने के बाद तमाम जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और चकिया की जनता जनार्दन का जितना प्यार मिला है, कार्यकर्ताओं का, देवकुल कार्यकर्ताओं का, संगठन का, जो
आशीर्वाद मिला है, उसके बदौलत आज एक कुर्सी नसीब हुई है। सर, प्राइम टीवी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। प्राइम टीवी जिस दिन आपने नामांकन किया था, प्राइम टीवी का सर्वे था कि आप नगर पंचायत के प्रत्याशी ही नहीं, भावी चेयरमैन है, ये रिकॉर्डेड है, इसको कोई भी देख सकता है। सर, इस पे क्या कहना है? देखिए, प्राइम टीवी तो हमेशा से ही अच्छी पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता और तमाम हर मुद्दे पर खड़ा उतरता है, इसीलिए तो प्राइम टीवी को पहले मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। नवनिर्वाचित चेयरमैन चकिया गौरव श्रीवास्तव ने प्राइम टीवी की टीम की प्रशंसा की है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्राइम टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि प्राइम टीवी की पत्रकारिता एक नंबर की है। नगर निकाय चुनाव के एग्जिट पोल में प्राइम टीवी ने गौरव श्रीवास्तव के जीत के सर्वे की रिपोर्ट को प्रसारित किया था। बताते चले कि गौरव श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में खुशी को साझा किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि भारत के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे। साथ में सैयद राजा विधायक सुशील सिंह, मुगलसराय विधायक राजकुमार जायसवाल तथा चकिया विधायक कैलाश आचार्य जी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह भी मौजूद थे। उन्नाव में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। बता दें कि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने स्वागत व अभिनंदन किया। नव निर्वाचित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने सभासदों के साथ पद व गोपनीयता की शपथ ली। बताते चले कि यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व सांसद साक्षी महाराज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। खबर बाराबंकी से है, जहां राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों पर दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे दी, जिसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बच्चों के उत्पाद शामिल हैं। इस संबंध में शासनादेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन वस्तुओं का निर्माण FSI करेगी और उन्होंने वस्तुएं सिर्फ उन्हीं दुकानों पर बेची जाएगी जो मुख्य मार्ग पर स्थापित होंगी। आदेश के मुताबिक उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, केरोसिन, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित वस्तुएं बेचने की अनुमति वर्ष 2019 में दी गई थी। इसमें साबुन, शैंपू, चाय, पेन, कॉपी, ORS टेबलेट एवं घोल सैनिटरी आदि शामिल थे। इसी शासनादेश के तहत कुछ और वस्तुओं को भी शामिल किया गया है और अब इसमें बड़ा और भी खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं, जैसे कि दूध, दही, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, तमाम रोजमर्रा में आने वाली आवश्यक उत्पाद शामिल किए गए हैं। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दर्ज मामले में पंजीकृत मुकदमा आर्म्स एक्ट से संबंधित पूर्व प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, निश्चित हत्या की घटना का सफल अनावरण किया है और इसके साथ ही पुलिस ने उनके पास से मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। घटना में सम्मिलित 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत 23 मई को, जैसा कि आप लोगों को विदित है, पूर्व प्रधान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत रामकोला पुलिस और स्वाट और सर्विलांस टीम ने आज इसका सफल अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 व्यक्ति जो पिता पुत्र हैं, अनुपम साहनी और रामनाथ साहनी, इनके द्वारा हत्या की घटना को पारित किया गया है और साथ में जो षड्यंत्र की जो भूमिका है उसमें राममदन चौधरी का भी नाम आया है। इस प्रकार से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की जो पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत मत्स्य पालन को लेकर और भूमि को लेकर विवाद की स्थिति इनके बीच थी, जिसके कारण रंजिशवश ये इस घटना को कारित किए हैं।
अवैध खनन के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं लखनऊ में अवैध खनन करने वालों पर रहीमाबाद पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि डीसीपी वेस्ट राहुल राज के निर्देशन में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि अवैध खनन कर रहे 6 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर 9 ट्रैक्टरों को बरामद कर सीज कर दिया गया। रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताते चले कि यहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है। बताते चले कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशुनपुर गाँव का है। देश में अचानक भीषण भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत के साथ तेज बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक सुबह हुई बारिश से पानी जमा हो गया था। दुकानदारों का कहना है कि पानी भर गया था और बिजली के तार टूट गए और जिसमें करंट आ गया था, जिसके बाद पहले दुकानदार चपेट में आए और फिर उसको बचाने के लिए जब दूसरा दुकानदार आया तो वो भी उसकी चपेट में आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सर शक्तिगंज फर्स्ट का मामला है। क्या हुआ था? यहाँ पर जब सुबह बारिश आई, जैसे हम सुबह घर से आ रहे थे तो हमने अपने शॉप के सामने देखा 2-3 लड़के ने बोले ऐसे ऐसे सब्जी वाले को और ये चंचलकन फैंसी वाले को करंट लग गया है, उनको हॉस्पिटल उठा ले गए हैं। हमने ये देखा आपको सामने और कुछ नहीं देखा। अब हॉस्पिटल आए पहुंचे, क्या हुआ? लाइव देखा सर, इनमें डॉक्टरों ने अपनी कार्रवाई की होगी, देखा तो इनमें कुछ है ही नहीं है। दोनों की मौत हो गई है। ये मामला कुछ भी नहीं है वैसे तो, लेकिन बहुत बड़ी घटना है और इसे एक हल्का या कह दो कुछ भी कह दो। सुबह ये दुकानदार हैं, दोनों ही दुकानदार थे नकुल और सुरेश। ये जैसे जैसे अपनी दुकान खोलने आए तो बारिश के समय जब पानी भरा हुआ तो इन्हें बिजली का करंट लग गया और पहले नकुल को पकड़ा, फिर नकुल की आवाज़ चीख सुनी होगी तो सुरेश भाग गया, सुरेश को फिर नकुल छूट गया, सुरेश को बिजली ने पकड़ लिया और दोनों के ही कोई मतलब वहीं उसी स्थान पर। दबंगों के हौसले बुलंद हैं और दबंगों को पुलिस का अब डर भी नहीं रहा। बता दें कि यहां अलीगढ़ में थाना घबाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रायपुर में दबंगों का कहर एक परिवार पर जानलेवा साबित हो सकता था। गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर दबंग ने गरीब परिवार के साथ ज्यादती की और जमीन कब्जाने के बाद उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। वहीं जब संबंधित मामले में गाँव के लोगों के द्वारा इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की तो दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट किया। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में इलाज करते हुए पीड़ित ने अपनी आप बीती बताई। जी हमारी ये घरवाली हैं रश्मि, एक बेटी है मेरे पे। क्या नाम है इनका बेटी का? आपके? बेटी का जो है देवसुधा। देवसुधा, तो ये तीनों लोग आप कैसे घायल हुए बाबा? तीनों साहब हमारे ऊपर एकदम आक्रमण किया उन्होंने। किन लोगों ने? गाँव के ने। गाँव के लोग हैं जी? पड़ोसी हैं? हाँ, और मेरा जाति का अकेला ही घर है। क्या कारण रहा जो उन्होंने आप पर हमला करा? वो सामने एक रास्ता आया, उसे लेखपाल नापने आया था तो मैंने लेखपाल से सार्वजनिक है, सार्वजनिक है। अच्छा, तो मैंने उन लोगों ने कब्जा कर रखा है उस पर अवैध रूप से। दबंग लोग हैं क्या? दबंग हैं जी। फिर? मैंने पटवारी से कह दिया भैया मैं नहीं जाऊँगा, जैसा कागज में है नक्शा उस तरह से आप पड़ताल कर लें। अच्छा, आपने किससे बोला? पटवारी से। पटवारी से। फिर क्या हुआ? मैं गया ही नहीं, पटवारी गया है और उन्होंने मेरा एक पेड़ था उसे काटना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने, मेरी घरवाली ने कहा उन्होंने आपके साथ मारपीट ये सोच के की कि आपने पटवारी से शिकायत कर दी। जी अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।